हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। फर्स्ट चौड़ी और सीधी, सेकंड तंग और मैली, थर्ड फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? फर्स्ट तमिल, सेकंड खरोष्टी, थर्ड अज्ञात और डी ब्राह्मी। इसका ऑप्शन नंबर फ्रेंड थर्ड होगा, अज्ञात। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? फर्स्ट विशाल स्नानागार, सेकंड धान्यागार, थर्ड स स्तंभ हॉल और फोर्थ नंबर दो मंजिला मकान। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, धान्यागार। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? फर्स्ट ऑप्शन हड़प्पा, सेकंड लोथल, थर्ड चन्हुदड़ो और फोर ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर सेकंड है, लोथल। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? फर्स्ट नटराज, सेकंड नृत्य करती हुई बालिका, थर्ड बुद्ध या डी नरसिम्हा। इसका सही आंसर है बी, नृत्य करती हुई बालिका। नेक्स्ट है, देवी माता की पूजा संबंधित थी फर्स्ट आर्य सभ्यता के साथ, सेकंड भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, थर्ड सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। इसका सही आंसर थर्ड नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अब नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? फर्स्ट कालीबंगन, सेकंड लोथल, थर्ड रोपड़ और फोर ऑप्शन मोहनजोदड़ो है। इसका सही आंसर सेकंड होगा, लोथल। नेक्स्ट है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? फर्स्ट सिंधु घाटी, सेकंड मेसोपोटामिया, थर्ड मिस्र और फोर है फारसी। इसका सही आंसर सिंधु घाटी होगा। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि या व्यापार? इसका सही आंसर है फर्स्ट कृषि। अब हम लोग वैदिक सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? फर्स्ट जौ और चावल, सेकंड दूध और इसके उत्पाद, थर्ड चावल और दालें, डी सब्जियां और फल। इसका सही आंसर बी है, दूध और इसके उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? फर्स्ट जौ, सेकंड जई, थर्ड राई या गेहूं। इसका सही आंसर फर्स्ट है, जौ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? फर्स्ट चांदी, सेकंड सोना, थर्ड लोहा और डी तांबा। इसका सही आंसर डी है, तांबा। अब नेक्स्ट है, वेद शब्द का अर्थ है फर्स्ट ज्ञान, बी बुद्धिमता, सी ऑप्शन कुशलता और डी ऑप्शन है शक्ति। इसका सही आंसर ए है, ज्ञान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? फर्स्ट ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यास, बी गृहस्थ ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या सन्यास, सी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास या गृहस्थ, डी गृहस्थ, सन्यास, वानप्रस्थ या ब्रह्मचर्य। इसका सही आंसर ए है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर सन्यास। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। फर्स्ट शिक्षा पर, सेकंड जन्म पर, थर्ड व्यवसाय पर और डी प्रतिभा पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, व्यवसाय पर। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि फर्स्ट ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, बी
अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। सी, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गायों होती थी न कि जमीन। डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? फर्स्ट, सर विलियम जोन्स। सेकेंड, एच एच विल्सम। सी, मैक्स मुलर। या डी, जनरल कनिंघम। इसका सही ऑप्शन सी होगा, मैक्स मुलर। अब नेक्स्ट है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। सेकेंड, बंगाल। थर्ड, सप्त सिंधु। और डी ऑप्शन, दिल्ली। इसमें से इसका सही आंसर सी होगा, सप्त सिंधु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? फर्स्ट, समिति। सेकंड, सभा। और थर्ड, गण। और फोर है, विधाता। इसका सही आंसर ए होगा, समिति। अब नेक्स्ट है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? फर्स्ट, बलि। सेकंड, विदत। थर्ड, वर्मन। और डी, कर। इसका सही आंसर ए, बलि होगा। अब नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? फर्स्ट, यजुर्वेद। सेकंड, अथर्ववेद। थर्ड, ऋग्वेद। और फोर ऑप्शन है, सामवेद। इसका सही आंसर है सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? फर्स्ट, ऋग्वेद से। सेकंड, मत्स्य पुराण से। थर्ड, भगवत गीता से। और डी, मुंडोक उपनिषद से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंडोक उपनिषद से। अब नेक्स्ट है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? फर्स्ट, घोषा। सेकंड, अपाला। सी, मैत्रेयी। और डी, गार्गी। इसका सही आंसर है डी, गार्गी।